नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 37। आज कोरोना टेस्ट की 90 रिपोर्ट आई है नेगेटिव। उत्तराखंड में आज कोई भी कोरोना का नया केस सामने नहीं आया। उत्तराखंड में 28 मरीजों का इलाज अभी तक चल रहा है। अब तक 9 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। उत्तराखंड में अब तक 9 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं। 90 रिपोर्ट जो आज आई हैं पिछले 24 घंटे की, वो तमाम रिपोर्ट्स नेगेटिव हैं। यानी इन 24 घंटों में एक भी पॉजिटिव केस उत्तराखंड में नहीं है। वहीं अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत ने पूरे आंकड़े जारी किए हैं, जरा देखिए। आज के दिन हमारे पास 90 सैंपल्स की रिपोर्ट आई है जो सारी की सारी नेगेटिव है। इसी के साथ साथ 125 सैंपल्स हैं जो डिफरेंट लैब्स में टेस्टिंग में लगे हुए हैं। एक खास बात यह है कि हमारे यहाँ सैंपल लेने की गति बढ़ गई है। आज के दिन सभी जनपदों ने मिलकर करीबन 240 सैंपल्स लैब को भेजे हुए हैं जो भी अंडर ट्रांजिट हैं। हमारे प्रदेश में जो लॉकडाउन 14 अप्रैल तक था, वो एक्सटेंड होकर 3 मई तक हो गया है। और इस बीच में 20 अप्रैल तक ये लॉकडाउन ऐसे ही रहेगा। जो जनपद जिनमें कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आता है, वो ग्रीन कैटेगरी में जनपद होंगे। ऐसे हमारे प्रदेश में 7 जनपद हैं। इन जनपदों में कुछ रिलैक्सेशन 20 अप्रैल के बाद दी जा सकती हैं। इसके अलावा 5 जनपद ऐसे हैं जिनमें 1 से लेके 17 तक केसेस आए हैं, तो इनमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस मूवमेंट की होंगी। और एक जनपद है जनपद देहरादून, जहाँ पे 18 केसेस आए हुए हैं, ये रेड जोन में है और इसमें रिस्ट्रिक्शंस यथावत रहेंगे, इसमें छूट। ऑनलाइन पर फहीम तन्हा हमारे साथ में, रेजिडेंट राइटर। फहीम, उत्तराखंड में 24 घंटे में एक भी केस पॉजिटिव न आना तो राहत भरी खबर है। इसके साथ ही जो करंट स्टेटस है उसको लेकर भी अधिकारी लगातार जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन अभी हालात क्या हैं और कैसा अभी नजर आ रहा है उत्तराखंड में? क्या कुछ होने वाला है या फिर क्या स्थिति है? देखिए पूजा, उत्तराखंड के हालात बहुत सामान्य नहीं कहे जा सकते हैं। हाँ, खतरे की उतरे की आशंकाएं कभी नहीं दिख रही, लेकिन जिस तरीके से कल एकदम से 2 अचानक बढ़े थे 6 दिन के बाद में, और अभी लगातार जो जमातियों के पॉजिटिव आने का सिलसिला है रुक कर, और उनके जो संपर्क के लोग हैं वो क्वारंटीन है, तो अभी उनके बारे में कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है जब तक कि क्वारंटीन का वक्त पूरा ना कर ले, और दूसरे जब तक कि सबकी रिपोर्ट नेगेटिव ना आ जाए, इसलिए ये खतरा बना हुआ है। और जो दूसरे जो पहले पॉजिटिव पाए गए थे 7 जमातियों के अलावा, उनके भी संपर्कों के लोग अभी क्वारंटीन है नहीं, उनका भी समय पूरा नहीं हुआ है क्वारंटीन का जो समय है, तो लिहाजा जब तक इन सबकी रिपोर्ट्स नहीं आ जाएंगी पूजा, तो खतरा बना हुआ है, सतर्कता इसीलिए बढ़ती जा रही है किसी तरीके की कोई चूक ना हो। और जहां तक बात है देहरादून, जो कि बिल्कुल रेड जोन में है, जैसा अभी अपर सचिव ने भी कहा कि सबसे ज्यादा केसेस देहरादून में ही सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव के, तो लिहाजा अभी जो 20 अप्रैल की राहतें कुछ मिलने की जो उम्मीद है, तो वो वैसे भी उन्हीं क्षेत्रों में जिलों में मिलेंगी जहां पर कोरोना पॉजिटिव नहीं पाए गए या कम नगण्य है। यानी एक जैसे पौड़ी में था तो वहां पर उस क्षेत्र को छोड़ करके जहां के पॉजिटिव था, बाकी जिलों में कुछ राहत मिलती है बाकी क्षेत्र में। लेकिन जो जैसा उधम सिंह नगर है, हरिद्वार है और देहरादून है, ये तो, और नैनीताल है क्योंकि हल्द्वानी में काफी केसेस हैं, ये 4 जिले तो पूरी तरीके से संवेदनशील हैं और खतरे की घंटी है इन पूरे जिलों में, शहरी क्षेत्रों में इन जिलों के, तो लिहाजा 20 अप्रैल को भी इन जिलों में कोई राहत मिल पाएगी इसकी उम्मीद बहुत कम है पूजा। बाकी दूसरी जिलों में राहत मिलेगी, जैसे कि वो मेडिकल सर्विसेज की बात है, कृषि सर्विसेज की बात है, डेयरी और दूसरे जो जरूरी एसेंशियल चीजों को लेकर के थोड़ी सी राहत देने की बात है, वो दूसरे जिलों में मिलेगी। जैसे 7 जिलों की बात की गई पर्वतीय क्षेत्र के, जहाँ पर इस तरह के केसेस नहीं है और इस तरह की खतरों की भी आशंका वहाँ भी कम है इसके संक्रमण की, तो लिहाजा अभी हम कह सकते हैं जो शहरी क्षेत्र है, हमारे मैदानी बड़े जिले हैं, ये काफी अभी खतरे की जद में है। जी, और अच्छा, रियायतों की अगर बात करते हैं, क्योंकि खबर ये है कि 20 तारीख के बाद में राज्य सरकारें कुछ कुछ रियायतें दे पाएंगी, ऐसे में अभी उन रियायतों को लेकर क्या कुछ चर्चा चल रही है उत्तराखंड के हालातों को देखते हुए? देखिए रियायतों को लेकर के एक तो बहुत स्पष्ट सी बात है, जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसमें जो रियायतें दी गई हैं उससे इतर मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकारें को रिस्क लेगी, और उनमें छूट देने की बात की गई है। जैसे अभी जो सर्विसेज हैं, सेंसिटिव सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज हैं, इसका और
स्टेप आगे बढ़ाने की बात है जो जिसमें छूट दी जाएगी। और जो एक और इससे अलग इम्पोर्टेंट बात है वो है कृषि और बागवानी क्षेत्र को लेकर के, किसानों और बागवानी के लोगों को लेकर के कुछ राहत देने की। तो उसमें जो इनका मूवमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, उससे जुड़े वाहन, उनके किसानों के अपने वाहन, या फिर जो उत्पादन है उत्पादन का मंडी से जुड़े या उन यूनिटों से जुड़े हुए, फसलों के यूनिटों से जुड़े हुए ट्रांसपोर्टेशन, उसकी जो छूट दी गई है ये एक बहुत हद तक संभावना है इसकी हो जाएगी। और आज कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने भी जो बैठक ली थी उसमें ये बात तय किया गया है कि जो किसानों की अपनी फरद और जो खेती की जो खतौनी होती है उसको आई कार्ड या पास मान लिया जाएगा उनके वाहनों का और उनके खुद के ट्रांसपोर्टर नहीं आवागमन के लिए 20 अप्रैल के बाद में। तो ये कृषि क्षेत्र का एक जो खोलने की बात रहेगी, राहत देने की, ये सेक्टर बड़ा सेक्टर होगा। इसके अलावा बाकी जो प्रतिबंध हैं वो जारी रहेंगे, चाहे वो मॉल के प्रतिबंध हैं, चाहे जिम के प्रतिबंध हैं, चाहे बाजारों के प्रतिबंध हैं, पिक्चर हॉल मॉल से तमाम चीजें बंद रहेगी 20 अप्रैल के बाद भी। लेकिन इससे जो कृषि मेडिकल और दूसरी जो असेंशियल चीजें हैं, असेंशियल कमोडिटी की हैं, ये चीजें इनमें राहत थोड़ी और ज्यादा थोड़ी मिल सकती है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है जहां त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य के पेंशन धारकों को राहत दी है। राज्य के पेंशन धारकों को 3 महीने की एक साथ पेंशन दी जाएगी। लॉकडाउन में अपनी जरूरतें पूरी करने में मिलेंगी गरीबों को मदद। और सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सभी पेंशन धारकों के लिए आदेश जारी किए। राज्य में विधवा, वृद्धा, विकलांग और किसान पेंशन के करीब 7 लाख लाभार्थी सीएम त्रिवेंद्र ने सभी खाते में अप्रैल, मई और जून की पेंशन भेजने के आदेश दिए हैं। तो देखिए, राज्य के जो पेंशन धारक हैं उनको राहत दी है, उनको एडवांस में ही 3 महीने की एक साथ पेंशन दी जाएगी। राज्य के पेंशन धारकों को 3 महीने की एक साथ पेंशन दी जाएगी। लॉकडाउन में अपनी जरूरतें पूरी करने में गरीबों को मदद मिलेगी। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सभी पेंशन धारकों के लिए आदेश जारी किए हैं, उनको 3 महीने की एडवांस पेंशन देने का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। फहीम तन हमारे साथ है। फहीम, जो भी गरीब तबके के लोग हैं वो चाहे वृद्धा पेंशन और इसके अलावा चाहे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनके पास में कोई भी संसाधन अवेलेबल नहीं है, ऐसे लोगों के लिए सरकार का एक अहम फैसला, 3 महीने की एडवांस पेंशन दी जाएगी। बिल्कुल पूजा, ये काफी राहत भरा फैसला है क्योंकि सभी तरीके की पेंशन, क्योंकि जो समाज में कहीं उपेक्षित ना हो परिवार में या जो इकलौती परिवार में है, जो अक्षम है, ये तमाम अलग अलग कैटेगरी हैं पेंशन की और वो सभी लोग उसमें शामिल है। तकरीबन 7 लाख से ज्यादा की इस तरह की संख्या बैठती है। तो एक तो ये कि तकरीबन 1200 रुपए इनकी पेंशन है प्रतिमाह, जो पिछले महीने पिछले कुछ समय पहले 1000 रुपए से बढ़ाकर 1200 की थी सरकार ने, और 3 महीने के एक साथ देने से ये एक अच्छी एक अमाउंट बन जाती है। और इसका फायदा ये होगा पूजा, जो सीधे तौर पर क्योंकि लोग जैसे घरों में थोड़ा सा राशन जमा करने की बात है कि हफ्ता 10 दिन का जो सक्षम है तो वो कर सकते हैं, या दूसरे और जो जरूरत की चीजें हैं, पैसा जिसमें जरूरी हो जाता है खर्च करना थोड़ा सा, वो काम हो सकते होंगे। और कुछ पैसे ये जो वृद्ध लोग हैं, जिन जो जो पात्र लोग हैं जिनको दी जा रही है, वो कुछ पैसा कैश भी अपने पास रख सकेंगे या बैंक में जो है उनके पास वो रह सकेगा जरूरत के मुताबिक। तो जरूरत पूरी हो सके तो एक मेंटली सेटिस्फेक्शन रहता है पूजा, अगर कुछ पैसे पास में होते हैं। और ऐसे वृद्ध जनों के जिनका कोई देखभाल ना लेना हो, वो खुद सरकार की सहायता पर निर्भर हो, तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन रहता है, दूसरा जरूरत की चीजें खरीद सकते होंगे। तो ये बात महसूस की जा रही थी सरकार के द्वारा कि इसमें एक मुश्त राशि दे दी जाए, तो लिहाजा 3 महीने की एक साथ देने का फैसला आज आदेश मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही कर दिया है। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका। डीजी कानून व्यवस्था ने हल्द्वानी के जो कर्फ्यू वाले इलाके हैं उनका दौरा किया है। आज डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार हल्द्वानी पहुंचे और जायजा लिया। डीजी अशोक कुमार की अपील, कर्फ्यू के दौरान आप लोग किसी भी तरह की लापरवाही ना करें, कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। डीजी ने क्षेत्र का दौरा करने के बाद अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में डीआईजी जगत राम जोशी सहित एसएसपी और अन्य अफसर मौजूद रहे। बनभूलपुरा के हंगामे को रोकने में सराहनीय भूमिका निभाने वाले 4 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। डीजी अशोक कुमार ने चारों पुलिसकर्मियों को 2500 का इनाम दिया। अफवाह फैलाने वाले पर 44 लोगों के खिलाफ, ऐसे जो थे जिन्होंने अफवाह फैलाई उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। फोर्स की हमें वो नहीं है, अगर लगेगा कि नहीं वो जो आवश्यकता अधिक आवश्यकता हो तो बुलाई जा सकती है।
किंतु हमारा प्रयास यही है कि लोगों के सहयोग से लागू हो और वो हो भी रहा था। देखिए 99% लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, वो खुद सहयोग कर रहे हैं, खुद आगे आकर के खुद अपने आप से ही वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे हुए, लॉकडाउन का अनुपालन किए हैं। ये तो 1% आदमी है तो अदरवाइज नौबत नहीं आती। मेन इश्यू है कि भाई उतनी हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए, लोगों को पता है पूरे देश में लॉकडाउन लगा, तो ऐसी टेंशन नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंट नेपाल बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर में भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं, नेपाल के ही लोग हमारे बॉर्डर में फंसे हुए हैं, तो क्या उनके लिए उस नेपाल देश से या कोई वार्ता चल रही है? देखिए वो जो है उनको प्रॉपरली हमें जगह शेल्टर दिया हुआ है, प्रॉपरली उनके खाने पीने की व्यवस्था की। खबर देहरादून से है जहां राज्य की आर्थिक में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है ताकि इकोनॉमी बेटर हो। सीएम त्रिवेंद्र रावत के निर्देश पर ये उच्च अधिकारी इसमें रहेंगे जो उस पर काम करेंगे। उच्च अधिकार प्राप्त समिति है ये। लॉकडाउन के बाद आर्थिक संसाधनों और आजीविका में सुधार के लिए समिति सुझाव देगी। पूर्व मुख्य सचिव इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय सलाहकार समिति गठित। लॉकडाउन से हुए नुकसान को कम करने और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी। प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पवार, सचिव वित्त सौजन्या जावलकर, अपर सचिव वित्त भूपेश तिवारी, अपर सचिव नियोजन योगेंद्र यादव समिति के सदस्य होंगे। अपर सचिव भूपेश तिवारी सलाहकार समिति के सचिव बनाए गए हैं। नुकसान का अध्ययन करके आर्थिक संसाधनों में सुधार लाने के लिए संस्तुतियां देगी। आजीविका उपलब्ध कराने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर भी सुझाव देगी समिति। सीएम ने समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देने की भी अपेक्षा की गई है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने विभागीय बैठक ली। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में कई फैसले लिए। किसानों को बीज पर 50 से बढ़ाकर 75% सब्सिडी देने का फैसला किया है। अपूर्ण बाजारों को पर्वतीय क्षेत्र में विस्तार के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप का सहयोग इसमें लिया जाएगा। लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए 2-2 लाख रुपए भी बाजार को उपलब्ध कराए जाएंगे। बाजारों के निर्माण संबंधित काम मंडी परिषद के जरिए होंगे। इसके लिए समिति गठित। फॉर्मर मशीनरी बैंक बढ़ाए जाने का फैसला। मौजूदा समय में राज्य में 856 मशीनरी बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। इन्हीं को देखते हुए आज जो हम लोगों ने निर्णय लिए हैं उसमें सबसे पहला निर्णय तो ये लिया है कि हम लोग जो बीज, क्योंकि खरीफ का फसल का बोने का समय आया तो सबसे बड़ा आवश्यकता आज बीज की है, और अभी तक हम लोग बीज पर 50% सब्सिडी काश्तकार को दिया करते थे, जिसको बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता होने के बाद इसको हमने 75% करने का निर्णय लिया कि हम 75% सब्सिडी किसान को बीज पे देंगे। दूसरा, जो तराई बीज विकास निगम जो हमारा बीज का उपलब्धता का सोर्स है, उसके द्वारा अपने दामों में काफ़ी वृद्धि की गई थी, जिसमें कई चीज़ों में तो 4,000 से 4,500 रुपये क्विंटल तक का असर आया था। तो मैंने निर्देश दिए हैं कि तत्काल इस स्थिति को देखते हुए इस वर्ष इस वृद्धि को स्थगित कर दिया जाए, तो हमने वो वृद्धि भी स्थगित कर दी है ताकि किसान को सस्ते दाम पर 75% सब्सिडी के साथ बीज उपलब्ध हो पाएगा। इसके अलावा जो अपूर्ण बाजार है हमारे, अपूर्ण बाजार के माध्यम से, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में मंडियां नहीं हैं, अपूर्ण बाजारों को स्ट्रेंथन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा इनको चलाया जाएगा। जिला मुख्यालय पौड़ी में आज मुस्लिम समुदाय की ओर से कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए योगदान स्वरूप राशन और 1,01,000 रुपए का चेक उपजिलाधिकारी अंशु सिंह को सौंपा गया। मोहम्मद जावेद कुरैशी ने बताया कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए सभी धर्मों के लोगों को एकजुट होकर काम करना चाहिए और जिससे जितना बन सके गरीब और असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए ताकि उन लोगों को भरपेट भोजन मिल पाए। 100 पैकेट राशन के वितरण करने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने बताया आटा, चावल, मसाले, तेल सहित बाकी का जो जरूरी सामान है उसको एक पैकेट में रखा गया है। में हमें आज रिस्पेक्टेड जो हमारे मेंबर्स हैं, वार्ड मेंबर्स जामा मस्जिद से हैं, मुस्लिम समाज से, इन्होंने हमें 1,01,000 का चेक दिया है। वो चेक हमने यहाँ जमा कर लिया है, इसको हम कलेक्टर सर को फॉरवर्ड करेंगे, वो इसको यूटिलाइज करेंगे फॉर रिलीफ मेजर्स। दूसरा, इन्होंने 75 पैकेट दिए। ये 75 पैकेट हम वैसे ही हमारी प्रक्रिया चली रही है कि हम सामान बांट रहे हैं, तो इन्होंने सबसे अच्छी बात है पैकेट्स खुद ही बनाकर दे दिए, तो बस हमें अब ज़रूरतमंदों पे वो पहुँचाने हैं। तो तहसील की पूरी टीम लगी है, हम वहीं जा रहे हैं अभी,
तो हम लगभग 800 से 900 लोगों तक पैकेट पहुंचा रहे हैं नगर पालिका क्षेत्र में। इसमें हमें आज ये जो संक्रमण मामला चल रहा है पूरे देश में चल रहा है, और हम मुस्लिम समाज ये चाहता है कि इस देश में जितने भी संगति लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, उनके लिए हम कुछ अंशदान दे सकें, उनके काम को जा सकें, इसलिए हम तय दिल से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हम भी देश के हित में काम आ सकें इस बीमारी को रोकने के लिए। 1,01,000 रुपये का चेक माननीय उपजिलाधिकारी महोदय तहसील पौड़ी को सम्मान दिया है कोरोना वायरस से बचाने के लिए, ताकि इससे इस बीमारी का। पहाड़ों की रानी मसूरी में मौसम ने अपना मिजाज बदला है, तो तेज बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई। मसूरी के लोगों को एक बार फिर से ठंडक का एहसास हुआ। पिछले कुछ दिनों से मसूरी में हल्की गर्मी का मौसम था, लेकिन बरसात और ओलावृष्टि ने मौसम को पूरी तरह से फिर बदल दिया। और अब खबर ऋषिकेश, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक ने नशे के दौरान पत्नी से झगड़ा कर अपने ही घर पर आग लगा दी। घटना में घर के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान पनखंडी क्षेत्र में आग की सूचना से अफरा तफरी मच गई। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर लोग आ गए, सोशल डिस्टेंस का पालन करना भूल गए। पुलिस अधिक जानकारी के लिए नशे की हालत में धुत मकान मालिक से पूछताछ कर रही है। गनीमत रही कि घर के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, और आप देखिए किस तरह से भयानक आग इस घर में लगी है। और वजह सोचिए, वजह सिर्फ नशे में धुत युवक का अपनी पत्नी से झगड़ा। कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली है कि बनखंडी में आग लगी हुई है, तो हम लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। और जबकि यहाँ पर जो है रोड बहुत कंजेस्टेड है, तो हमारी जो है मिनी हाई प्रेशर जो है वो सैनिटाइजर है, तो मार्केट में पूरे बाजार में कर रही है, तो उसको हमें तुरंत सूचना हुई। उसके बाद मैं स्टेशन से दूसरी फायर ब्रिगेड लेके आया, देखा तब तक तो घर में आग लगी हुई थी। अब लोग कह रहे हैं कि ये जो है आपस में मियां बीवी का झगड़ा हुआ, तो उन्होंने खुद लगाई है। संभवतः ऐसा ही लग रहा है, वैसे ऐसा तो कोई प्रत्यय होता नहीं, इसने खुद ही लगाई है मेरे ख्याल से। सर क्या नुकसान हुआ है इसमें? क्या नुकसान का तो बाद में पता चलेगा। उसके घर का रखा हुआ सामान जो उसका सामान सट्टा था घरेलू सारा, उसका झगड़ा ही हुआ है, पता नहीं उसमें क्या क्या। ये मकान मालिक द्वारा नशे में खुद ही अपने घर में आग लगाई, गाड़ी बुलाई गई, पहले छोटी गाड़ी बुलाई गई थी, उससे नियंत्रित नहीं हो पाया तो बड़ा गाड़ी बुलाया, ये बड़ा वाला हाउस को एक्सटेंड करके और आग पर काबू पा लिया। घर पर जन माल आदि तो नहीं हुई, कोई ऐसा आने नहीं पाया, आदमियों का सब बाहर निकाल दिया गया है, और घर में मतलब जो है उसके जो बिलोंगिंग्स है वो चल गए। कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा सर इस खबर को लेकर? काफ़ी मुसीबत, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ भी खड़ी रहती हैं इनके गलियों में, इससे गाड़ियों का आवागमन। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला जारी। बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।